तो चलिए बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको। दो दिन के बाद से बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सत्ता के दावेदार दोनों गठबंधनों में पटना से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी है। एनडीए की जहां तक बात की जाए, एनडीए में सीट को लेकर अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा 1 तारीख तक मुमकिन है कि हो जाए। माना जा रहा है कि बीजेपी ने एलजेपी को 27 सीटें ऑफर की है और जिस पर चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं से विचार करने की बात भी कही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी भी तमाम जो गठबंधन है वो इस सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी जुगत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी 42 सीटें चाहती है या फिर 32 सीटें, जबकि 2 MLC और यूपी से 1 राज्यसभा सीट दिए जाने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि बीजेपी की ओर से फिलहाल 27 विधानसभा सीटें और 2 MLC सीटों की पेशकश एलजेपी को की गई है। एलजेपी को बीजेपी के कोटे से सीटें दी जाएगी और खबर यह है कि बीजेपी के ऑफर पर एलजेपी 1-2 दिन में फैसला ले लेगी, यानी कि 1 तारीख तक बहुत मुमकिन है कि चीजें क्लियर हो जाए। तो एलजेपी के गठबंधन एनडीए गठबंधन में बने रहने के सस्पेंस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, ये वो सुन लेते हैं। चुनाव समय पर होंगे, सीटों का भी बंटवारा होगा, समय पे हो जाएगा, शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए चट्टान की तरह एक है, चिराग पासवान उसके सबसे बड़े पुरोधा रहेंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि चिराग पासवान गठबंधन का मजबूत चेहरा है, वो एनडीए में ही बने रहेंगे।